Hi guys, let's solve 10 PYQs of cell. Which of the following components provide sticky character to the bacterial cell? Cell wall, nuclear membrane, plasma membrane या glycocalyx? इसमें पूछ रहा है कि bacterial cell के ऊपर sticky, चिपचिपा character कौन provide करता है? तो cell wall तो नहीं करेगा, plasma membrane भी नहीं, nuclear membrane. क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है? सेल के ऊपर जो म्यूसिलेजनियस लेयर होती है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ये आउटर लेयर होती है और यही स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है. तो आप लोग बताएंगे ग्लाइको और कैलिक्स किसका बना है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी. इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो कि कार्बोहाइड्रेट से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है? लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल. प्लांट सेल वैक्यूल्स आर. प्लांट सेल की वैक्यूल्स में वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट्स कौन से हैं? क्लोरोफिल, कैरेटिनॉइड, एंथ्रोसाइनिन, जैंथोफिल. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंथ्रोसाइनिन. एंथ्रोसाइनिन जो है वाटर सॉल्यूबल वैक्यूलर पिगमेंट है जो कि रेड कलर और पर्पल और ब्लू कलर में भी दिख सकता है उसके पीएच के डिपेंडेंसी पे. और ये सेल से सेल मेम्ब्रेन के इम्परमिएबल होता है और ये तभी सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है जब सेल या तो डैमेज हो जाए या तो डेड हो जाए. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज इनक्लोज बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन. इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनली केवल सिंगल मेम्ब्रेन से इनक्लोज रहती है, ढकी रहती है? तो क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया. आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है और इनर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर के क्रिस्टी फॉर्म करती है. न्यूक्लियाई भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती हो तो क्या बन जाता है वहां पे? न्यूक्लियर पोर बन जाता है. और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. तो बचा क्या? लाइसोसोम विच इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली. फर्स्ट फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनली एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. इसमें कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है. यस है. फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनली, सही बात है कि ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनली से बना है और इसमें डीएनए होता है. और कह रहा है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी अब्सेंट होती है, लैक होती है. नो, इसमें प्रोटीन मशीनरी जिसे राइबोसोम कहते हैं वो 70S की पाई जाती है. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है और सेकंड ऑप्शन में एक गलती कर दी. तो कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. इसमें से कौन सा सही होगा? सेकेंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स. रॉन्ग. फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स. ये राइट होगा. लेकिन हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे. बॉथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स. दोनों तो फॉल्स नहीं है, सेमी ऑटोनॉमस होता ही है. बॉथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू. ये भी फॉल्स हो गया. इसमें लिख दिया है कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ. माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका कंस्टिट्यूएंट है? तो हमें पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है. माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन का पार्ट है. तो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया. स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल और सीलिया में प्रेजेंट होता है. यस. सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमेटिन. सेंट्रियोल्स में भी प्रेजेंट होता है, स्पिंडल फाइबर में भी होता है, बट क्रोमेटिन में नहीं होता. सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल्स. सीलिया, फ्लैजला एंड पेरोक्सिसोम. तो ये दो ऑप्शन सही है, ये रॉन्ग हो गया. इसमें आपको ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये दोनों रॉन्ग कर दिया. इसके बाद ये दोनों राइट हैं. यहाँ पे क्रोमेटिन रॉन्ग हो गया. तो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट. अ सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज. कौन सी सेल ऑर्गेनली में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है? लाइसोसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम, मीजोसोम. तो ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम.
सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से गलत कौन सा है ये खोजना है. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यस. पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल. साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल. माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यस. माइकोप्लाज्मा वॉललेस होता है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेलेटेड सेल नहीं पाए जाते. तो इसमें कह रहा है पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फिम्ब्री और पिलाई या कहें ये फाइन हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया इसका इस्तेमाल अटैचमेंट के लिए करता है रादर देन मोटिलिटी. तो इस तरह से पिलाई जो है प्रोटीन कौन से प्रोटीन का बना होता है, पिलीन प्रोटीन का बना होता है. पिलाई जो है फिम्ब्री से लार्जर होता है और एक सेल में एक या दो पाए जाते हैं. तो पिलाई का मेन काम क्या है, अटैचमेंट का काम है, और इसमें क्या कहा है मोटिलिटी, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया. सेलेक्ट मिसमैच, इसमें से कौन सा गलत मैच किया गया उसको सेलेक्ट करना है. गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया सेल्स, लार्जर सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल, प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक मेथेनोजोन प्रोकैरियोट. तो हमें पता है कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वहां पर एनिमल सेल में सेंट्रल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जबकि प्लांट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो होते हैं पाए जाते हैं. तो ये ऑप्शन मिसमैच है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है. न्यूक्लियर एनवलप, राइबोसोम, मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है, राइबोसोम तो पाया ही जाएगा, मीजोसोम भी पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है. प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का था यानी जिनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट.